जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 4 पद पर गुरुवार को मतदान सकुशल संपन्न हुआ। प्रधान पद के 1294 ग्राम पंचायत सदस्य के 15372, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 1704 तथा जिला पंचायत वार्ड के 68 सीटों पर 15 अप्रैल को मतदान संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया में 9 बजे तक 9%, 11 बजे तक 20%, 3 बजे तक 46% और शाम 5 बजे तक 57% मत पड़े। चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार देखी गई, जिसमें महिला और पुरुष मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदाताओं में चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखा गया और लाइन कर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कुछ केंद्रों पर समय सीमा 6 बजे समाप्त होने के बाद भी मतदान के लिए मतदाता कतार में खड़े रहे और उन्हें अंतिम समय तक वोट देने की व्यवस्था किया गया। इस दौरान जिले के आला अधिकारी समय समय पर मतदान केंद्रों का निरीक्षण करते रहे और यथा स्थिति का जायजा भी लेते रहे। जिले में लगभग 65 से 68% मतदान होने की संभावना है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, हमारा होगा ना बीच में ये जिला पंचायत का है, ये बीडीसी और प्रधान का आपको
वहाँ पे मिल रहा है क्या तो फिर खड़े हो देखिए पहले पर्ची तो खावा 20-25 एम बना जी हाँ 20-25 एम बना भाई दीनदयाल जायसवाल आज यहाँ पे वोट डालने आए हैं जी कैसा लग रहा है आपको कब से यहाँ पे खड़े आधा घंटा हो गया कहना चाहेंगे वोटिंग के बारे में कैसा यहाँ का प्रक्रिया है प्रक्रिया यहाँ का ठीक नहीं है अशरफ आज वोट डालने के लिए आप आए यहाँ पे जी कब से यहाँ पे आधा घंटा वोट डालने की प्रक्रिया कुछ कहना चाहेंगे कोरोना काल है क्या बोले कहाँ पे हरैया गाँव जनपद गोरखपुर के सभी मतदान केंद्र 4657 पर मतदान प्रक्रिया सकुशल संपन्न हो गई है पोलिंग पार्टियां अपने अपने ब्लॉक को जहां पर उनको मत पेटिकाएं जमा करनी है वहां वापस आ रही हैं पूरे जनपद का मतदान सकुशल संपन्न हुआ है अभी पोल परसेंटेज का अंतिम कैलकुलेशन किया जा रहा है परंतु 65 से 68 के बीच में पोल परसेंटेज आने की संभावना है